अल्लाह की पसंदीदा आवाज़ें। फरमान खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। अल्लाह पाक को तीन आवाज़ें पसंद हैं, महबूब हैं, सुभान अल्लाह। आज हमारी पसंद भी है तो अल्लाह की पसंद को जानते हैं। मुर्ग की आवाज़ जो सुबह नमाज के लिए जगाती है, जब भी मुर्ग की आवाज़ सुने तो उस वक़्त मुर्गा जो है फरिश्ते को देखता है, और यह जिसको हम पंजाबी में बांग कहते हैं और उर्दू में अजान कहते हैं, तो मुर्गे की आवाज़ वो जब लगाता है तो उस वक़्त हमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिका पढ़ना चाहिए। तिलावत या कुरान की आवाज़, क्योंकि जो कुरान पढ़ने वाला कारी है अल्लाह की ज़ात ऐसे कारी को, कुरान पढ़ने वाले को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अल्लाह की ज़ात हमें भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे, जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। सुबह सवेरे अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करने वाले की आवाज़, वबिल असहार हुम यस्तग़फिरून। तो अल्लाह हमें सुबह सवेरे सहर के वक़्त अल्लाह के सामने रोने वाला, निदामत के आंसू बहाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।